Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे पार्ट 11, ठीक है? तो आज पार्ट हम 11 सीखेंगे, औ की मात्रा सीखेंगे. पहले हमने सीखा ओ की मात्रा, आज हम सीखेंगे औ की मात्रा. तो औ जो है, औ के मात्रा से कौन से शब्द निर्माण होते हैं, वो है नौका, हथौड़ा, कौवा और चौकीदार. कौन से शब्द निर्माण होते हैं, नौका, हथौड़ा, कौवा और चौकीदार. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, समझिए और पढ़िए. जब काना और दो मात्राएं लगती है, ओ की मात्राएं, तभी जाके ये शब्द निर्माण होते हैं, जैसे कि कौन, मौन और दौड़, फिर नौका, मौका और चौका, सौरभ, गौरव और कौशल, फौलाद, औलाद और खोलना. इसमें सारी कौन सी मात्राएं लगे, एक तो एक काना है और फिर दो मात्राएं जो है ओ की मात्रा. बोलिए और अंतर समझिए. आपको बोलना है और इसमें डिफरेंस समझना है, इसमें आपको अंतर समझना है. जैसे कि गोरी, गौरी, नौक, नौका, लौट, लौटा, खोलना, खोलना, सो, सो, शेक, शो. हम अब पढ़ेंगे सौरभ का उपहार. सौरभ का उपहार यानी कि सौरभ का सेलिब्रेशन. उपहार को हम क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखें, चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा बर्थडे पार्टी है जो सौरभ की है. तो कल सौरभ का सालगिरह थी, सालगिरह यानी कि बर्थडे, ठीक है? कल सौरभ की सालगिरह थी, उसने खिलौने और उपहार मिले. उसे क्या मिले, खिलौने और उपहार. उपहार यानी गिफ्ट, ठीक है? उसे उपहार मिले. सौरभ बहुत खुश हुआ. सौरभ क्या हुआ, उसे बहुत खुश हुआ. आपको भी कोई गिफ्ट और खिलौने देगा तो आप खुश हो जाओगे कि नहीं, वैसे ही सौरभ भी बहुत खुश हुआ. सौरभ के नाना जी जौनपुर से आए. सौरभ के नाना जी कहाँ से आए थे, जौनपुर से आए थे. नाना जी ने उसे मटर का पौधा दिया. नाना जी ने उसको कौन सा पौधा दिया, मटर. मटर यानी कि पीस, वटाना जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मटर. सौरभ ने उसे पौधे को लगा दिया. सौरभ ने क्या किया, उस पौधे को लगा दिया. आप पिक्चर में, यहाँ पे चित्र में देख सकते हो ना कि नाना जी उसको मटर का पौधा दे रहे हैं. अब वो रोज शौक से पौधे को पानी देता. वो रोज ध्यान से और शौक से क्या करता था, रोज आके पौधे को पानी देता था, उसकी देखभाल करता था. पौधे की क्या करता था, केयर करता था, देखभाल करता था. धीरे धीरे सूरज की रोशनी और पानी से पौधा बड़ा होने लगा. स्लोली स्लोली, धीरे धीरे क्या होने लगा, सूरज की किरणें, सनलाइट, पानी, वाटर के साथ वो पौधा बड़ा होने लगा. उस पर छोटी छोटी हरी हरी मटर दिखाई देने लगी. उस पर क्या दिखने लगी, छोटी छोटी हरी मटर, छोटे छोटे वटाने, छोटे छोटे ग्रीन पीस दिखने लगे. उस पौधे का बहुत मटर लगी, हरी हरी मटर. उस पौधे पर बहुत ज़्यादा मटर लगने लगे, बहुत ज़्यादा उसे पीस खाने मिलता था. तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिसमें औ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये शब्द निर्माण हुए हैं. अभी हम सीखेंगे खिलौने वाला. तो यहाँ भी औ की मात्रा लगाई गई है बहुत सारे शब्द में. तो खिलौने वाला आप चित्र में देख सकते हो, खिलौने वाला है, खिलौने लेकर आया और सारे बच्चे उसके पास में इकट्ठे हुए हैं.
तो खिलौने वाला आया है, देर खिलौने लाया है। खिलौने वाला आया था जो टॉयज़ बेचते हैं, वो आए थे और उसने बहुत सारे टॉयज़ लाए थे अलग अलग टाइप के, उसे टॉयज़ को हम बोलते हैं खिलौने। तो टॉयज़ जो बेचता है उसे हम कहते हैं खिलौने वाला। ले लो बाबूजी ये खिलौने, बेचैन आए आया ओने पौने। क्या बोलता है बाबूजी को, खिलौने ले लो, बेचने आया है ओने पौने, खिलौनों के नाम बता रहा है। बड़े शौक से तोता लाया लाया उसने, तोता भी लाया, देखो पैरेट दिख रहा है उसके बास्केट में जो गोनी लेकर आया उसी में। चाबी वाला जोकर लाया, जोकर को भी चाबी वाला कीज वाले खिलौने होते हैं उससे कहते हैं चाबी वाला जोकर लाया। गाय हाथी लो या घोड़ा, उसने बहुत सारे एनिमल्स के भी खिलौने लाए हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि गाय हाथी लो या घोड़ा, सेठ सेठानी का है जोड़ा। क्या है, सेठ सेठानी का है या जोड़ा। देख खिलौने शोर मचाते, खिलौने बहुत अलग अलग तरीके की आवाज़ भी निकालते हैं ना, जब हम चाबी घुमाते खिलौने के तो अलग अलग आवाज़ आती है, तो इसीलिए बोलते हैं देख खिलौने शोर मचाते। सौरभ गौरव दौड़ आते, ये जो दो बच्चे हैं उनका नाम है सौरभ और गौरव जो आए हैं, इसलिए बोलते हैं सौरभ और गौरव दौड़ आते। गौरी ने ली मोटर गाड़ी, गौरी के हाथ में क्या है, मोटर गाड़ी। सर 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 चलने वाली, एकदम फटाफट चलने वाली है ना, इसीलिए बोला है सर 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 चलने वाली।